आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। सूत्रों के अनुसार बिहार महागठबंधन खेमे से बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। खबर है कि महागठबंधन ने सीट शेयरिंग कर लिया है, जिसमें ये तय हो गया है कि राजद, जेडीयू, कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आप लोगों को बता दें कि 2019 में राजद जेडीयू अलग अलग चुनाव लड़ा था, जिसमें जेडीयू एनडीए के साथ था, राजद महागठबंधन के साथ था। जेडीयू एनडीए के साथ 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था, वहीं राजद महागठबंधन के साथ 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था। पर इस बार सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है कि राजद जेडीयू दोनों 15-15 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, वहीं कांग्रेस 6 सीटों पर और लेफ्ट 4 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि किस पार्टी को कौन सी सीट मिलती है, क्योंकि लगभग 15 वैसे सीट हैं जहां जेडीयू राजद दोनों की मजबूत दावेदारी है। उधर भाजपा का दावा है कि टिकट बंटवारे के समय महागठबंधन में भगदड़ मचेगी। वैसे आपको बता दें कि 2015 में भी जब राजद जेडीयू साथ लड़े थे, तब भी भाजपा ने दावा किया था कि टिकट बंटवारे में भगदड़ मचेगी, लेकिन नीतीश लालू ने अनुभव का प्रयोग करते हुए बिना विवाद के टिकट बंटवारा किया। इसीलिए महागठबंधन को उम्मीद है कि इस बार भी बिना विवाद के साथ टिकट बंटवारा होगा। वैसे अभी तक खबर यही है कि महागठबंधन ने अंदर ही अंदर सीटों का बंटवारा कर लिया है और बहुत जल्द कौन कहां से लड़ेगा यह तय होने की उम्मीद है। वैसे ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।